लड़के यार इस पे ये क्या रखे हैं? नींबू है, वो घरेलू नींबू है ना। अच्छा इतने बड़े बड़े? हाँ बड़े बड़े होते हैं, तूने नहीं देखे? ओह माय गॉड। अच्छा तो इसे हम इसलिए निकालते हैं क्योंकि गेंजे की खुशबू आती है इस पे, इसलिए हम। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब मस्त होंगे, मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में, मिस मनीषा पवार ब्लॉग में। तो गाइज आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सीधे मेरे माइक से, और यहाँ पे मेरी सिस्टर बैठी हुई है जो कि खाना बना रही है, और अभी ये रोटी बनाएगी, मंडुआ की रोटी। तो दोस्तों यहाँ पे आदेश बैठ रखा है, ये देखिए, और ये भी रोटी बना रहा है। देखो गांव में काफी ठंड है तो हम मंडुआ की रोटी कुछ इस तरह बनाई जाती है। इस तरह बनाई जाती है मंडुआ की रोटी। दिन के एक बज चुके हैं और नूतन की तैयारी हो रही है खटाई बनाने की। नूतन निकल गया, नूतन माल्टे बना रही है खटाई। आदेश देख, पता नहीं क्या काफी अच्छी धूप लग रखी है। दोस्तों टाइम हो रहा है शाम के 4:30 और नूतन तू कहाँ जा रही? मैं कंडाली के लिए। नूतन जा रही है कंडाली के लिए, जिसे कहते हैं बिच्छू घास, उसके लिए जा रही है, जिसकी सब्जी होती है। तो गाइज नूतन जाएगी और आदेश को मत ले जाना, ठीक है? नहीं। तो आपको भी दिखाएंगे बिच्छू घास कैसे होते हैं और कैसे किस तरह से निकाले जाते हैं। तो तो दोस्तों नूतन जा रही है और मेरा फ़ोन भी लेकर जाएगी। बाय। तो चलो दिखाते हैं आपको। तो ये मैं जा रही हूँ कंडाली के लिए, और नीचे से मैं अभी वो लाऊँगी, मतलब जिसे निकालूँगी मैं कंडाली, वो हमारे घर पे था लेकिन पता नहीं कहाँ पड़ रखा, उतना कौन उठता है। तो चलो आज तक के घर में होगा शायद, तो देखती हूँ। तो ऐसी कंडाली निकालूँगी, पर यहाँ पे बहुत अबू हाय कर दे भाभी जी, मुझे जल्दी जल्दी चिमटा दे दो। नहीं है हमारे घर पे, नहीं है, मिल गए। मैंने तो तुम्हारे यहाँ चप्पल ले आई। मैं कोई बात नहीं, हमारे टीचर नोटा का है। कर हाय हाय। ये माल्टा का बगीचा है इनका, ये देखो यहाँ से वहां तक देख लो। तो ये इस खेत में गेहूं बो रखे हैं, जिनका ये खेत होगा, मुझे तो पता नहीं किसका खेत है। मैं तो सीधे आ गई इस खेत में कंडाली लेने, जो कि यहाँ बहुत सारी कंडाली है।
देख रहे हैं, मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी और जहाँ तक मेरी ये टोकरी भर जाएगी तो यही भरना है मुझे। इससे मुझे ये इस तरह से निकालना है। तो ये इन पत्तों को निकाल रहे हैं, गेंजा है आज। ये नूतन की बड्डी जी है ना। तो ये दिव्यांशी है और ये पत्ते निकाल रही है। तो दिव्यांशी क्या बोलना चाहेगी तू गेंजे के बारे में? तो ये हेलो गाइस बोलना चाहती है क्योंकि आज गेंजे हैं। इस पे ये क्या रखे हैं? नींबू है, वो घरेलू नींबू है ना। अच्छा, इतने बड़े बड़े? हाँ, बड़े बड़े होते हैं, तूने नहीं देखे? ओह माय गॉड। अच्छा, तो इसे हम इसलिए निकालते हैं क्योंकि गेंजे की खुशबू आती है इस पे, इसलिए हम। तो ये नींबू का पेड़ है और हमें ये चौड़े चौड़े पत्ते निकालने हैं क्योंकि ये गेंजे पे लगाने से गेंजे पे इसकी खुशबू आती है, तभी इस पे लगाया जाता है। और बड़े बड़े से गेंजे बहुत अच्छे बनते हैं, तो आपको बाद में दिखाएंगे जब हम गेंजे बनाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय। तो ये ब्लॉग में यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगेगा। और हेलो गाइस, कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय। बाय 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 बाय।